सो दोस्तों, ये वीडियो क्लिप में वीडियो के एक्चुअली एंड में शूट करा, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग का ट्रैक खत्म हुआ है और मैंने ये वीडियो शूट किया बिकॉज ये जो ट्रैक रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस रहने वाला है, मतलब अभी तक का सबसे एडवेंचरस ट्रैक यही रहने वाला है। सो प्लीज़ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो में आप जो भी सीन्स देख रहे हो, मतलब वो ड्रोन शॉट होने दो या फिर हेड माउंट के ऊपर के ऊपर के सीन्स रहने दो, ये बस आप देखो, बिल्कुल ट्राई मत करना बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hey, hi, what's up guys, it's Anirudh Patil and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. So दोस्तों, अभी मैं मार्शल यार्ड के बीचों बीच हूँ और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले द वन एंड ओनली हरिश्चंद्रगढ़। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइज हरिश्चंद्रगढ़ एक्सप्लोर करने के लिए बिकॉज हरिश्चंद्र इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब वन ऑफ द मोस्ट द ब्यूटीफुल स्पॉट इन महाराष्ट्र बोल सकते हो। एंड हर एक ट्रेकर का ड्रीम रहता है कि हरिश्चंद्रगढ़ वो अपने लाइफ टाइम में एक बार तो करे, बट हरिश्चंद्रगढ़ के एक हंसी रहती है कि कोई भी जो ट्रेकर रहता है, जो हार्डकोर ट्रेकर्स रहते हैं, जिसको ट्रेकिंग का शौक है, वो एक बार कभी नहीं करता, मिनिमम 3-4 बार हरिश्चंद्रगढ़ करते हैं बिकॉज इतना अमेजिंग सा जगह है। बट अभी थोड़ा सा मसला हो चुका है कि हम लोग को उतरना था खूबी फाटा, जो वो साइड है, और ये पूरा डैम है और ये डैम के ऊपर से हम लोग जाने वाले खीरेश्वर विलेज, बट हम लोग को बस वाले ने यहाँ पे छोड़ दिया। सो अभी हम लोग को यहाँ से पूरा चल के वहाँ तक जाना पड़ेगा या फिर हम लोग को किसी से लिफ्ट मांगना पड़ेगा या फिर हम लोग सोच रहे हैं सब बीच में से जाए, बट बीच में से थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। सो हम लोग अभी किसी से लिफ्ट मांगेंगे, डैम के पास जाएंगे और फिर उसे खीरेश्वर विलेज जाएंगे एंड वहाँ से मैं आपको आगे का सब बताता हूँ। यहाँ का क्लाइमेट इतना पीसफुल और इतना मस्त है ना, मतलब देख सकते हो पूरी ग्रीनरी है, मतलब खेती है एक्चुअली, और ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर सुबह निकला था तभी तो 15 डिग्रीज था, मतलब घाट स्टार्ट होने से पहले 15 डिग्रीज हो गया था एंड अभी रहेगा अराउंड 18-19 डिग्रीज, बट ठंडी काफ़ी ज़्यादा है। बट ऐसा ठंडी भी नहीं लग रहा है, गर्मी भी लग रहा है, प्लेजेंट ऐसा एनवायरमेंट और व्यू भी एकदम काफ़ी अमेजिंग सा है। तो दोस्तों, अगर आप मुंबई से या फिर पुणे से आते हो तो आपको उतरना है खूबी फाटा, जो स्पॉट पे हम लोग को उतरा था वहाँ से खूबी फाटा आने के लिए कम से कम हमें 20-25 मिनट्स वॉकिंग आना पड़ा। तो अगर आप आते हो मुंबई से या फिर पुणे साइड से तो याद रखना ये जो टावर है वो एज अ लैंडमार्क याद रखना, और ये ऐसा रोड अंदर की साइड आता है और इधर है पिंपल जोक डैम। सो कीप दैट इन माइंड बिकॉज जो कंडक्टर रहते हैं वो यहाँ पे नहीं उतारते बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और जहाँ हम लोग को उतारा था वहाँ पे एक छोटा सा गांव है तो कंडक्टर लोग वहाँ पे उतार देते हैं, तो वहाँ से चल के आना पड़ेगा। सो कंडक्टर को बोले एग्जैक्टली खूबी फाटा पे हम लोग को उतारे। सो ये टावर एज अ लैंडमार्क याद रखना, और रोड से आप ऐसे आओगे तो आपको राइट साइड में दिखेगा पिंपल गाँव जोगा डैम, काफ़ी मस्त व्यू है। तो दोस्तों, हरिश्चंद्रगढ़ का जो बेस विलेज है वो है खीरेश्वर विलेज। अगर आप मुरबाड़ कल्याण साइड से आते हो तो आपको बेस विलेज पड़ेगा खीरेश्वर विलेज, बट खीरेश्वर विलेज का जो रूट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अगर आपको एकदम सिंपल वाला रूट चाहिए रहेगा तो आपको इगतपुरी साइड से आना पड़ेगा। इगतपुरी साइड से आप आओगे तो आपको बेस विलेज पड़ेगा पाचनाई विलेज, और वहाँ से जो रूट है वो काफ़ी आसान है, बट फिलहाल लॉकडाउन का टाइम चालू है इसलिए मैंने ये वाला रूट सेलेक्ट किया। मैंने स्टार्ट किया था ठाणे से मैं कल्याण आने वाला था, और कल्याण से मैं खूबी फाटा के लिए एसटी पकड़ने वाला था, बट फॉर्चुनेटली मुझे ठाणे से डायरेक्टली यहाँ तक के लिए एसटी मिल गई तो मैं डायरेक्ट खूबी फाटा उतरा। और यहाँ से अभी हम लोग को ट्रैक स्टार्ट करना है, आप देख सकते हो यहाँ से ऐसा रोड जाता है और वो सीधा उधर जाएगा अपने बेस कैंप तक। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिल कर रहा हूँ बिकॉज जो व्यू है गाइज आप देख सकते हो काफ़ी मस्त ऐसा व्यू है, और पूरा फॉग है और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ पे बस 5 मिनट हम लोग ने वेट किया, अभी सोच रहे हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी बना के पी लें बिकॉज काफ़ी ऐसा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। यहाँ से शिंदोड़ा फोर्ट का व्यू तो मस्त दिख रहा है, बाकी मस्त फोर्ट है, वो साइड से तो ऐसे 3 पिनाकल्स दिख रहे थे बट यहाँ से काफ़ी बड़ा प्लेटू है इसका। सो दोस्तों, आज हम लोग के साथ है सूरज, जिसको अपने पावना के वीडियो में देखा ही रहेगा, और ये इसका बड़ा भाई है हरी, एंड आज हम लोग तीनों ही है दोस्तों। एंड एक चीज़ बताना भूल गया दोस्तों, आज का जो ट्रैक रहने वाला है वन नाइट रहने वाला है, तो हम लोग वन नाइट वहाँ पे स्टे करने वाले हैं। एंड ये मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस रहेगा जो हम लोग इसे, मतलब पावना में भी मैंने नाइट कैंपिंग किया था बट वो कैसा हम लोग ने पूरा ऑर्गेनाइज करके दिया था, बट ये कैसा हम लोग खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद खाना बनाएंगे, खुद उधर रहेंगे टेंट्स में ऑल, तो दिस विल बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। बट ये जो दो बंदे हैं ना,
उन लोग एडवेंचर पे एडवेंचर करते ही रहते हैं, तो ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है मेरे को, बस थोड़ा ठंडी का इशू है। मैंने दो तीन ब्लैंकेट्स तो कैरी की है। एंड दूसरी बात के लिए मैं एकदम एक्साइटेड है, वो है ड्रोन शॉट्स और टाइम लैप्स। मतलब कोकनकड़ा से तो सनसेट का टाइम लैप्स दिखता है, एकदम मस्त दिखता है मैंने सुना है, तो वो मेरे को लेने का मतलब काफ़ी ज़्यादा इच्छा है। लेट्स सी हमें मिलता है या नहीं। बाय द वे हम लोग फिलहाल वो छोटे से आइलैंड पे जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग ड्रोन फ्लाई करेंगे। एंड अभी थोड़ी सी गर्मी फील होने लगी है तो मैं सोच रहा हूँ जा लूँ पानी में। दोस्तों ये देखो कितना मस्त लोकेशन है, एंड हम लोग कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं लोकेशन का। कल रात को मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था, एकदम मतलब इतना दर्दनाक न्यूज़ था कि एक ह्यूमन फीटस के बॉडी के अंदर प्लास्टिक्स थे, मतलब माइक्रो प्लास्टिक उसके बॉडी के अंदर थे। तो अभी मैं पानी से बाहर आ चुका और काफ़ी मज़ा आ गया पानी में, एकदम ठंडा पानी था। एंड अभी हम लोग को वो जाना है, वो देखो वो सामने जो दिख रहा है वो हरिश्चंद्रगढ़ है। सो वो पीक के ऊपर हम लोग को जाने का, उसके बैक साइड है कोकनकड़ा। और अभी हम लोग को यहाँ से पूरा ऐसा घूम के वहाँ से फिर वो वैली में से ऊपर जाना पड़ेगा। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी बना रहे हैं, कॉफ़ी और बिस्किट खाने के बाद हम लोग निकलेंगे, बिकॉज अभी काफ़ी भूख लगी है, बट हम लोग को खाना खाने का टाइम नहीं है। खूबी फायदा से हम लोग को एक सुमो या फिर ऐसा कुछ हायर करना था, बट अभी कुछ भी हम लोग को मिल रहा नहीं। हम लोग ने काफ़ी टाइम वेट किया एंड हम लोग वो डैम के पास गए थे, उधर काफ़ी ज़्यादा टाइम पास हो गया, तो हम लोग चल के जा रहे हैं। तो ये याद में रखना दोस्तों कि इधर आओगे आप खूबी फाटा तो वहाँ थोड़ा टाइम रुकना, और वहाँ से जो शेयरिंग जीप या फिर शेयरिंग सुमो या फिर जो भी मिलेगा, जो आपको गांव में छोड़ेगा, बेस विलेज छोड़ेगा, वो हायर करना। 50 to 70 रुपीज़ लेंगे पर हेड, सो वो करना, बिकॉज आप रास्ता देख सकते हो काफ़ी दूर तक रास्ता, अभी हमको पूरा चल के जाने का है। इट्स मोर देन 5 to 6 किलोमीटर्स और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी हम लोग जस्ट वेट कर रहे हैं कोई ना कोई आ जाए हम लोग को लिफ्ट दे दे। सो जैसे मैंने वो प्रीवियस सीन कट किया, रियल में एक कार आ गई और उन लोग ने हमें लिफ्ट दे दी इधर तक, और लिटरली गाइस काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई। 5 to 6 किलोमीटर था, आप देख सकते हो वो है शिंदुड़ा फोर्ट, हम लोग वो साइड पे थे, इधर से अभी क्लियर दिख रहा भी नहीं है। सो उधर से हम लोग यहाँ तक चल के आते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, और अभी मैंने चेंज किया बिकॉज सुबह काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट था और अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगा है। बाय द वे गाइस यू कैन सी द रेंज, इतना मस्त और इतना ब्यूटीफुल सा है ना, कितना बड़ा रेंज, और गोप्रो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, बट जो हाइट है ना, एंड दिस इज हरिश्चंद्रगढ़। अभी ये विलेज से हम लोग को जाना है, ये वैली से ऊपर जाना है, सो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो दोस्तों। यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस और डीप है, एंड ऑल्सो कोई कोई पैच ऐसे है जो काफ़ी रिस्की है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, अभी मेरे साथ तो हरी और सूरज है जो यहाँ पे 5-6 बार आ चुके हैं ऑलरेडी, तो मुझे कुछ टेंशन नहीं है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो या फिर आपका ग्रुप फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो एक लोकल गाइड हायर करो, बिकॉज वो आपको एकदम अच्छे से रास्ता बता देगा। आप देख सकते हो गाइस फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा डीप है। अभी दिसंबर का मंथ चालू है, इसके लिए इतनी ग्रीनरी नहीं है, बट अगर आप मानसून में आते हो तो यहाँ की ग्रीनरी कुछ नेक्स्ट लेवल की रहती है, और मज़ा भी उतना आता है, बट उसके साथ साथ रिस्क भी थोड़ी बढ़ जाती है। अभी पूरा टाइम पास एंड ऑल करते करते 1 बज चुका है, और अभी चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है। बाय द वे आज वीकेंड नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई ज़्यादा गर्मी नहीं है, अगर सैटरडे संडे का दिन रहता तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। इतनी कड़ी धूप में हम लोग को ये रॉक चढ़ना है,
देख के ही डर लग रहा है, बट मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा थकावट होगी, बिकॉज ऊपर जाके हम लोग को रेस्ट ही करना है, रात को सोना है, तो मतलब आराम से हम लोग जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेम डे रिटर्न आना है। तो ये एक प्लस पॉइंट है हम लोग के साथ कि हम लोग स्पॉट पे आराम करते करते जा सकते हैं, और हम लोग आराम करते करते गए तो भी हम लोग इवनिंग तक पहुँच जाएंगे और हम लोग इवनिंग का जो टाइम लैप्स है वो ले पाएंगे। यहाँ के जो ट्रेल्स है वो काफ़ी आसान है, एक स्ट्रेट ट्रेल है वो फॉलो करते जाना है, एंड जगह जगह पे एरो मार्किंग्स भी है, तो अगर आप ध्यान रख के चलोगे तो आप आसानी से पहुँच जाओगे, ऐसा रास्ता भटकने का चांस नहीं है। सो दोस्तों, हम लोग जो रूट से आए उसका नाम है टोलर खिंड, और ये साइड से सबसे ईजी वाला जो रूट है वो यही है, मतलब खूबी फाटा से अगर आप आते हो तो सबसे ईजीएस्ट रूट ये है, एंड अगर आपको सबसे ईजीएस्ट चाहिए रहेगा तो आपको पाचनाई से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो जो इगतपुरी साइड वाला रूट है वो सबसे ईजीएस्ट रूट है, और सबसे यहाँ का सबसे ईजीएस्ट रूट ये टोलर खिंड है। सेकेंड जो है वो फॉरेस्ट वाला है, थर्ड वाला जो रूट है वो नेडे वाला रूट है, वो काफ़ी मतलब अननोन सा रूट है, मतलब वैसे देखा जाए तो वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है, एंड उससे भी अगर डिफ़िकल्ट चाहिए रहेगा तो नड़ेची वाट वाला रूट है, उधर प्रॉपर रैपलिंग एंड ऑल का एक्सपीरियंस अपने को लगता है। एंड यहाँ पे मैं रुका था बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, एंड ऑल्सो मेरे बैग के अंदर जो मैंने राजमा लाया तो मुझे लगा फूट गया, मुझे राजमा का स्मेल आ रहा था, एंड काफ़ी हैवी बैग है, कम से कम 6-7 किलो का बैग रहेगा, एंड 6-7 किलो का बैग लेके मतलब 2 दिन के कपड़े ब्लैंकेट्स एंड ऑल लेके चढ़ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है। ये जो माउंटेन के वॉल्स है ये देख के तामिनी घाट की याद आ रही है, मतलब जब देवकुंड वाटरफॉल गए थे तभी सेम ऐसे वॉल्स थे। सो गाइस, टोलर खिंड में ये एक पैच है, वो थोड़ा सा रिस्की है बिकॉज इसे एकदम एज से जाना पड़ता है और नीचे पूरा क्लिफ है, एंड मानसून के टाइम पे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती रहेगी। ऐसे डिफिकल्ट पैच पे इतना हैवी बैग लेके चलने में डर भी लगता है, काफ़ी डिफिकल्ट भी लगता है, तो अगर आप आ रहे हो तो संभाल के आना, अगर हैवी बैग लेगी तो दोनों हाथ आपका मतलब ऑक्यूपाइड रखना, मतलब दोनों हाथ आपका स्टोन को पकड़ पकड़ के आना, ऐसा नहीं कि एक हाथ में सेलफोन लेके आप लॉक कर रहे हो, ऐसा कुछ मत करना मेरा वीडियो देख के प्लीज़। जाते समय राइट साइड पे आपको एक ऐसा छोटा सा मतलब एकदम छोटा सा ऐसा एक ये है, मतलब क्या बोलिए, स्टोन में कार्व किया हुआ ऐसा छोटा सा वाटर टैंक जैसा है, और यहाँ पे पानी ऐसा यहाँ पे कंटिन्यू ड्रिप होते रहता है, अभी दिसंबर चालू है फिर भी आप देख सकते हो पूरा ऐसा फिल्टर हो के पानी ड्रॉप ड्रॉप इसके अंदर ड्रिप होता है, तो ये पानी आप आराम से पी सकते हो अगर आपको आदत है तो, एंड प्लीज़ इसके अंदर डायरेक्ट ऐसा हाथ मत डालना, ऐसे प्लास्टिक के बॉटल से या फिर आपके बॉटल से लेना, और ये पानी मुँह के ऊपर मारने के लिए एंड हाथ पैर के लिए यूज़ मत करना, बस पीने के लिए, थोड़ा सा पानी है तो मतलब ये ऐसा 15-20 मिनट में थोड़ा थोड़ा भरते रहता है। सो दोस्तों, ऑलमोस्ट फाइनल वाला पैच है, जो अगर सामने से अगर जाते हो तो रॉक्स में से कार्व किए हुए स्टेप्स है, वो थोड़ा सा थ्रिलिंग है, बट आप राइट से जाओगे तो वहाँ पे छोटी छोटी स्टेयर्स है, मतलब स्टेप्स बना के रखे हैं, तो अगर आपको एडवेंचर करना है तो आप यहाँ से जा सकते हो, एंड अगर आपको थोड़ा सेफली जाना है तो आप वहाँ से जा सकते हो। अरे नहीं, स्लिप हो गया, ब्लूपर्स के लिए काम आएगा, कोई बात नहीं, चालू तो चालू था। हाँ, अभी ये पैच हम लोगों को चढ़ना है एंड जाना है टॉप पे। बाय द वे, यहाँ से व्यू देखो गाइस, इतना मस्त व्यू, और ये तो एको जो आ रहा है ना एकदम परफेक्ट आ रहा है। आई विल जस्ट शो यू, छत्रपति शिवाजी महाराज की। सो दोस्तों, अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बट चढ़ते समय मैं जोर का गिर गया, मतलब जो लूज सैंड था उसके वजह से मैं गिर गया, बट थैंक्स टू सूरज जिसने मेरा बैग लिया था, बिकॉज जो चढ़ने वाला पोर्शन था मैं स्टिक लेके चढ़ने वाला था, इसलिए सूरज बोला कि तेरा बैग काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मैं ले लेता हूँ, वो अच्छा हो गया, बिकॉज अगर ये बैग के साथ अगर मैं गिरता ना तो मेरी वाट लग जाती, बिकॉज काफ़ी हैवी, मतलब 7-8 किलो का बैग है। बस ये रॉक वाला पैच थोड़ा सा रिस्की है, ऐसा पूरा जिगजैग जाता है, वहाँ से ऐसा साइड से ऐसा ऊपर जाता है, तो ये वाला पैच जो है वो थोड़ा सा संभाल के करना, और स्पेशली मॉनसून में ये वाला पैच काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है।
तो दोस्तों अभी मेन प्लाटू पे जाने के लिए 10-5 मिनट है एंड ये केव मिला हम लोग को, पूरा नेचुरल केव है, मतलब कितना जूना रहेगा आप सोच सकते हो, बट अंदर देखो क्या है, पूरा कचरे से भर गया दोस्तों केव। एक नेचुरल केव है जो हवे की वजह से, मतलब हवा जा जाके केव हुआ है, मतलब आप सोच सकते हो कितना जूना रहेगा और अंदर इतना कचरा है। सो दोस्तों ये जब स्पॉट आएगा यहाँ पे, मतलब प्लेटू है, यहाँ से दो रोड जाते हैं, एक राइट के साइड जाता है और एक लेफ्ट के साइड जाता है, और यहाँ पे आपको दो स्टॉल्स मिलेंगे। आज वीकेंड नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई नहीं है, अगर वीकेंड रहेगा तो यहाँ पर लेते लिंबू पानी वाले। सो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद ये राइट वाला रूट ये लेना, बिकॉज लेफ्ट वाला रूट काफ़ी घूम के जाता है तो, और काफ़ी ज़्यादा जंगल भी है। हम लोग एक्चुअली यहाँ ये साइड गए थे और हम लोग का 25 मिनट्स वेस्ट हो गया। तो दोस्तों राइट से आने के बाद यहाँ पे और एक छोटा टपरी लगेगा, यहाँ से हम लोग को लेफ्ट लेना है ये साइड, और यह ए साइड मतलब 45 मिनट्स चलने के बाद वो मंदिर आएगा और फिर उसके बाद वो केव जाएंगे और उसके बाद 30 मिनट्स और चलने के बाद कोकनकड़ आएगा। सो दोस्तों अभी हम लोग लिटरली भाग रहे हैं बिकॉज 4 बज के गए और विंटर है तो सनसेट जल्दी होता है। एक्चुअली हम लोग ऊपर पहुँच के, मतलब प्लेटू पे पहुँच के कुछ खाने वाले थे, बिकॉज कल रात को मैंने ज़्यादा खाना नहीं खाया, जल्दी उठना था इसीलिए, एंड सुबह भी कुछ नहीं खाया बिकॉज हम लोग, मेरे को जल्दी आने का था इसलिए सुबह कुछ नहीं खाया। बस कल्याण स्टेशन पे मैंने 2 वड़ा पाव खाए एंड उसी के ऊपर मैंने इतना पूरा ट्रैक किया, ये बैग लेके चढ़ाऊ। बट अभी मेरे को सनसेट कैप्चर करना है एंड ड्रोन शॉट्स लेने कोकनकड़ा से सनसेट की, इसके लिए हम लोग लिटरली भाग रहे हैं। अभी हम लोग को ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगेंगे बट हम लोग ने 35 मिनट्स का टारगेट रखा है, लेट्स सी कभी तक हम लोग पहुँचते हैं। पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ मैं। तो यहाँ से टेंपल 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे है और यहाँ पे है बाले किला, आप देख सकते हो, और यहाँ से ऐसा वे जाता है। कल हम लोग ऊपर जाने का सोचेंगे, अगर टाइम मिला हम लोग को तो हम लोग ऊपर भी एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज ऊपर थोड़ा सा रिस्की है ऐसा मैंने सुना है, बिकॉज जो जंगल है वो काफ़ी ज़्यादा घना है तो वहाँ का जो रूट से वो एकदम मतलब ऐसे भटक जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स सी, अगर कल मतलब केव्स एंड टेम्पल पूरा एक्सप्लोर करने के बाद अगर टाइम मिलता है तो हम लोग ऊपर भी जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर दूर पे छोटा सा मंदिर है, वो है हरिश्चंद्र राजा का मंदिर, और यहाँ पे है गणपति मंदिर और शिव मंदिर, और वहाँ पे वो केव्स है जिसके अंदर बड़ी सी शिवलिंग है, और यहाँ पर भी स्टोन में कार्व किया हुआ वाटर टैंक है, और वहाँ पे एक हनुमान मंदिर है। तो ये सब हम लोग कल सुबह एक्सप्लोर करेंगे एकदम ब्राइट लाइट पे, बिकॉज अभी सनसेट होने को आ चुका है। तो हम लोग फटफट निकल रहे हैं कोकनकड़ा के वहाँ पे, मतलब इधर से कोकनकड़ा जाने के लिए अभी 20-25 मिनट्स लग जाएंगे। 1 किलोमीटर पे हम लोग का है डेस्टिनेशन। कोकनकड़ा कभी आएगा कोकनकड़ा, इन लोग बस ऐसे मार्किंग्स देते जा रहे हैं बट कोकनकड़ा तो कुछ आ रहा ही नहीं है। हम लोग चलते जा रहे पूरा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ मैं, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, पानी भी ख़त्म हुआ है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बट कोकनकड़ा नहीं आ रहा है। दोस्तों बड़े स्ट्रगल के बाद भूख प्यास सब भूल के नॉन स्टॉप चलते आए और फाइनली कुछ ये मिला। ड्रोन से दिखाओ या गोप्रो से दिखाओ, चलो ड्रोन से ही देख लो।
सो दोस्तों अभी ऑलमोस्ट सनसेट हो जाएगा, सन ऑलमोस्ट नीचे गया, मैं मेरा कैमरा रखूँगा टाइम लैप्स के लिए एंड काफ़ी इमोशनल है सब मोमेंट है बिकॉज अरुण सावंत सर जो थे यहाँ पर ही क्लाइंबिंग करते हुए ऑफ हुए थे एंड ऑल्सो बचपन में मेरे को डैड ने एक फ़ोटो दिखाया था कोकन कड़ा का, मतलब वो रील कैमरा जो आता है छोटा सा उससे निकाला था वो फ़ोटो एंड इतना कुछ अच्छा फ़ोटो नहीं था बट कोकन कड़ा का फ़ोटो वो तभी, मतलब मैं थर्ड या फिर फोर्थ में था तभी वो फ़ोटो देख के मैं एकदम ज़्यादा अमेज हुआ था। एंड उसके बाद उद्धव ठाकरे जी का एक फ़ोटो, मतलब एक बुक था, फ़ोटो बुक, उन्होंने हेलीकॉप्टर में से DSLR से ऐसे काफ़ी सारे महाराष्ट्र के अलग अलग स्पॉट्स के फ़ोटो निकाले थे, उसमें ये एक फ़ोटो था कोकन कड़ा का। वो फ़ोटो में इतने बार देखता था, जब भी वो बुक में ओपन करता था सबसे पहले वो ही फ़ोटो देखता था एंड आज मैं यहाँ पर हूँ। काफ़ी ऐसा मतलब मस्त फीलिंग लग रहा है, मतलब काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी अच्छा फीलिंग है। तो दोस्तों अभी पूरा सनसेट हो चुका है, पूरा का पूरा आप देख सकते हो बैक साइड पूरा सनसेट हो चुका है। एक प्लस पॉइंट आज ये है कि फुल मून है तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाइट की हेल्प हो जाएगी एंड अभी हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं मैगी, आटा नूडल्स। हम लोग ने टेंट वेंट कुछ सेट नहीं किया है, टेंट वेंट सब सेट करने के पहले हम लोग मैगी बना रहे हैं बिकॉज इतनी ज़्यादा भूख लगी है ना हम लोग को, अभी हम लोग खाएंगे और ठंडी अचानक से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, आई गेस अभी रहेगा अराउंड 18-17 डिग्रीज रहेगा एंड अभी हम लोग फटाफट खाएंगे फिर टेंट सेट करेंगे फिर मैं आपको सीधा टेंट में मिलता हूँ। दोस्तों हम लोग अभी नाइट ट्रैकिंग कर रहे हैं, हम लोग कोकन कड़ा से लेफ्ट साइड वाला जो माउंटेन है उसके ऊपर अभी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। आपको ऐसा दिखेगा तो कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा अंधेरा है यहाँ पे, बस ये टॉर्च के सहारे हम लोग जा रहे हैं और पूरा का पूरा घना अंधेरा है। एक्चुअली हम लोग को सुबह सुबह मॉर्निंग व्यू लेने के तारामती पीक से, इसलिए हम लोग अभी मतलब नाइट ट्रैकिंग करके जा रहे हैं इधर से। अरे और इधर गया था कुछ नहीं इधर ब्रो, तो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम लोग चढ़ रहे तारामती पीक, हम लोग को कैप्चर करना है सनराइज़। कल काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और मेरा नाक और मुंह पूरा सूख गया है ठंडी से, पूरा अजीब सा फील हो रहा है, इतनी ठंड थी, मतलब मैं तीन तीन कपड़ा पहन के उसके ऊपर ब्लैंकेट लिया हूँ फिर भी इतनी ठंड थी। और बैक साइड आप देख सकते हो मॉर्निंग व्यू ऑफ कोकन कड़ा, अभी वहाँ पे सब फोर्ट्स दिखते हैं, मतलब रतनगढ़, अलंग मलंग, कुलन, बाद में इधर जीवधन का वो नाने घाट का पॉइंट दिखता है, भैरवगढ़, ये सब दिखता है, वो हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे जब मैं वो पीक चढ़ के आऊँगा बिकॉज अभी फटफट जाना है सनराइज़ कैप्चर करने। अर्ली मॉर्निंग ट्रैक करने में तो अलग मज़ा आता है बिकॉज ठंडी रहती है तो ज़्यादा थकावट नहीं होती है और ऊपर से प्यास भी नहीं लगती ज़्यादा एंड पूरा जो एनवायरनमेंट रहता है एकदम प्लेजेंट रहता है। बट अभी थोड़े ही टाइम के बाद, जैसे आधे एक घंटे के बाद पूरा हो जाएगा गर्म, तो हम लोग को फटफट ट्रैक अब इधर से ना चल। पीक पे जाने का तक का जो रास्ता है वो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट से भरा है और अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है तो प्रॉपर लाइट नहीं रहती सनराइज़ देखने के लिए, तो अपना टॉर्च एंड ऑल कैरी करके आना है यहाँ पे। तो उस तारामती पीक जाने का जो रास्ता है आप देख सकते हो इतना डेंस फॉरेस्ट है और उसके बीच में से ट्रेल है ऐसा, और ये भी काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है और काफ़ी स्टीप चढ़ान है, तो एक टॉर्च अगर मतलब आपको सनराइज़ कैप्चर करना है तो आपको जल्दी उठ के जल्दी आना पड़ेगा और वो ग्रास, मतलब वो जो फॉरेस्ट है उसके अंदर बिल्कुल लाइट नहीं रहती, तो टॉर्च, दो तीन टॉर्च कैरी करना एंड ऑल्सो फुल स्लीव्स इफ पॉसिबल होगा तो फुल स्लीव्स पहनना। सो मेरे डैड जब हरिश्चंद्रगढ़ आए थे 90s की बात है, तभी ये कुछ नहीं था, मतलब जो फॉरेस्ट था वो इतना डीप था कि आना इम्पॉसिबल था और ये रॉक वाले जो पैच हो लिटरली चढ़ने पड़ते थे। बट अभी इन लोग ने स्टेप्स लगाए जो एकदम प्रॉपर मेंटेन भी किया है, सो अ बिग थम्स अप टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट या फिर महाराष्ट्र टूरिज्म और जो गढ़ प्रेमी है, जो दुर्ग प्रेमी है, उन लोग के लिए थैंक यू सो मच।
रास्ता भटक गए, बट यहाँ से व्यू जो है ना एकदम मस्त है। सूरज ऊपर पहुंच चुका है तो ड्रोन शॉट्स तो ले लेगा। पूरी वाट लगेगी क्योंकि ठंडी की वजह से नाक पूरा बंद हो गया है और मैं मुंह से सांस ले रहा हूँ तो गला भी पूरा सूख रहा है और बैग भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। कल हम लोग पानी वानी में गए थे, मतलब जो कपड़े थे वो भीग गए तो कपड़े ऐसे गिले हैं मेरे प्लास्टिक के बैग में डाल के, बैग में डाले उसका ज़्यादा वजन हो चुका है। एंड वी आर अबाउट टू रीच, वो है हम लोग का डेस्टिनेशन। दोस्तों फाइनली आई एम ऑन द टॉप ऑफ तारामाती पीक एंड नीचे का व्यू देख सकते हो, काफ़ी अमेजिंग। अभी काफ़ी ज़्यादा हेजी हो चुका है तो ठीक से दिख रहा नहीं है, बट यहाँ से कलसुबाई दिखता है, अलंग मलंग कुलंग का जो पीक से वो दिखते हैं, आजू बाजू वाले काफ़ी घर दिखते हैं, जीवधन का जो ड्यूब स्नोज है वो दिखता है, बाद में वानरलिंगी सुलका दिखता है, जीवधन का नानेगढ़ दिखता है और ये साइड भी दो तीन अलग अलग फोर्ट्स दिखते हैं। वैसे देखा जाए तो अभी भी दिख रहे हैं ठीक से, बट आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हेजी है तो कुछ दूर का दिख रहा नहीं है। सो आई रियली कांट बिलीव हम लोग वो उधर थे, वो जो आपको थोड़ा थोड़ा दिखता रहेगा डैम उसके एकदम एंड पे थे। उधर से फिर हम लोग आ गए, इधर से ट्रैकिंग स्टार्ट किया, इधर से फिर ये माउंटेन पूरा ऐसा घूम के, ये माउंटेन पूरा ऐसा घूम के, उधर से फिर कोकन, ये पूरा ऐसा माउंटेन क्लाइंब कर करके कोकन कड़ा विजिट किया, वहाँ पर कैंपिंग किया और अभी ये पूरा माउंटेन चढ़ के हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी अच्छा खासा टाइम पास हो चुका है यहाँ पर और मतलब फ़ोटोज़ एंड ऑल सब निकाले हैं और अभी मतलब प्रॉपर सनराइज़ हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे पास्ता बना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, पास्ता खाएंगे और फिर ये साइड से हम लोग डिसेंड करेंगे, ये साइड से डिसेंड करेंगे बिकॉज ये साइड हो गया अपना कोकन कड़ा। मैंने सोचा था कि मॉर्निंग व्यू कुछ अच्छा रहेगा बट ऑलरेडी कल एक्सप्लोर कर लिया है तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा डिसेंड करके टेम्पल के पास जाएंगे और फिर टेम्पल और केव पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों अभी हम लोग खाके हो चुका है, हम लोग ने सब जो कचरा था एक बॉक्स के अंदर डाल दिया है, देख सकते हो आप ये मैगी का जो कप आता है वो, ये पास्ता के पैकेट्स, ये सब इसमें डाल दिया स्टफ़ करके एकदम, और ये हम लोग नीचे जाके मतलब घर पे लेके जाएंगे, घर पे फेंकेंगे ना कि ये देखो आप देख सकते हो पब्लिक इधर खाते रहे, उधर ही लेस के वेफर्स के पैकेट, बाद में बिस्लरी की बॉटल्स एंड ऑल, पूरा मतलब पहाड़ भर के। आप देखोगे ना, हमें गोप्रो से ठीक से दिखेगा नहीं बट देख सकते हो आप पूरा पहाड़ भर के बॉटल्स एंड ऑल। वहाँ पे दो बॉटल्स है और वहाँ पे कोई जा भी नहीं सकता लेने के लिए बिकॉज़ अगर वहाँ पे जाएंगे तो सीधा मतलब ग्रास है, नीचे जा सकते हैं।
दोस्तों अभी हम लोग ने तारामती पीक डिसेंड करना स्टार्ट किया है, वो साइड से हम लोग डिसेंड करने वाले थे, हम लोग ये साइड से डिसेंड कर रहे हैं बिकॉज यहाँ से सीधा शॉर्टकट है टेंपल तक जाने के लिए। देख सकते हो आप वहाँ पे है टेंपल और वहाँ पे छोटा सा पॉन्ड और वहाँ पे ये वो शिवलिंग बड़ा सा केव के अंदर। बाय द वे अभी जाते समय यहाँ पे हम लोग को केव्स लगेंगे जहाँ पे फ्रेश वाटर है, अच्छा खासा पानी पीने के लिए है। तो अभी हम लोग करते थोड़ा सा एडवेंचर। हरी देखो कहाँ पे गया है और सूरज अभी वहाँ पे। ये जो क्लिफ है थोड़ा सा रिस्की चढ़ने के लिए, अगर आपको ट्रैकिंग की आदत है तो यहाँ पे आना मत और ये सब तो बिल्कुल करना मत यार, मतलब क्या बोलूँ अभी। एंड ये क्लिफ में जो हवा का आवाज़ आता है तो मस्त आ रहा है, एकदम ऐसा विसल टाइप आवाज़ आ रहा है। और ये जो पाम का झाड़ एकदम अजीब सी जगह पे है, जो मतलब वहाँ से हम लोग जब देख रहे थे तो ये तो मस्त दिख रहा था। तो हरी जिधर नीचे गया था उधर आपको जाना रहेगा, तो ये ऐसे ऐसे ट्रेल्स आते हैं और ये जो रॉक है उसके बैक साइड से ऐसा आएगा, तो इधर छोटा सा ऐसा केव है और यहाँ पे हरी आपको मैं दिखा दूँ। दिख रहा है ब्रो? और अभी हम लोग जाएंगे नीचे वाले केव में। तो ये जो छोटा सा टेंपल ये हरिश्चंद्र राजा का टेंपल, और ये जो स्कल्पचर दिख रहा है वो हरिश्चंद्र राजा का स्कल्पचर है और वहाँ पे भी कुछ है बट वो समझ में नहीं आ रहा है। ये दो या फिर तीन नंदी है और यहाँ पे शंकर का पेंट है, मतलब नंदी का ऑलमोस्ट जो शेप था वो पूरा चला गया है बट फिर भी अंदाज लगा सकते कि ये नंदी है। और यहाँ पे एक वाटर टैंक है और वहाँ पे थोड़े से रिमेनिंग्स है, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर और वहाँ पे वो पिंड जहाँ पे हम लोग जाएंगे अभी, जो केव है बड़ा सा पिंड वाला वो वहाँ पे है। और यहाँ पे कुछ स्कल्पचर है और यहाँ पे भी कुछ स्कल्पचर से बट एक्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा, और ये थोड़े से समझ में आ रहा है ये किसी के पैर हो सकते हैं और ऊपर का पूरा टूट चुका है। तो अभी हम लोग सीधा जाते हैं वहाँ पर। सो अभी पैर वेर धो के हम लोग एंट्री करेंगे ये वाले टेम्पल पे।
दोस्तों ये सब स्कल्पचर देख के आप देख सकते हो मतलब इंडिया का हिस्ट्री जो है वो कितना पुराना और कितना मतलब देख के कितना फाइन मतलब एकदम फाइन आर्ट आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर। वो ज़माने में तो कुछ इक्विपमेंट्स थे नहीं और कुछ नहीं था, फिर भी ये जो देख सकते हो परफेक्ट सर्कल, परफेक्ट ये और जो रोम्बस है वो परफेक्ट है, और मतलब जो डिटेल्स है वो एकदम प्रॉपर डिटेल्स है। और कितना टाइम लगा रहेगा ये इस रॉक में से टेंपल कार्व करने को। और हर एक छोटे जगह पे देखो अभी ये एंट्रेंस है, तो यहाँ पे ऐसे मतलब दिया रखने के लिए जगह, या ये साइड दिया रखने के लिए जगह, और यह साइड सब पूरा हॉलो है। एंड ये साइड और एक ऐसा शंकर का पिंडी है, और ये है मेन टेंपल। इतना परफेक्ट डिटेलिंग है ना, मतलब एक एक छोटा छोटा कोना उन लोग ने परफेक्टली डिटेल में कार्व किया है। और देख सकते हो दोस्तों देखो और यहाँ से एग्जैक्ट सामने जाओगे आप तो वहाँ पे वो जो केव दिख रहा है उसके अंदर है बड़ा सा शिवलिंग, और जो पानी के अंदर है वो अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। बाय द वे दोस्तों ये इतना अच्छे से मतलब इतना जूना, इतना मतलब कोई भी कंट्री में ऐसा रहेगा नहीं, एकदम रेयर कंट्रीज़ में ऐसा आपको मिलेगा, और मतलब रेयर जगह पे ऐसा आपको स्कल्पचर्स एंड ऑल मिलेंगे जो इतने पुराने हैं। और लोग आके यहाँ पे क्या करके जाते हैं देखो, मतलब उनको शर्म भी नहीं आता कि ऐसे सब जगह पे जाके ये सब करना। ये जो केव है इसके अंदर है वो शिवलिंग पानी के अंदर, आप देख सकते हो दोस्तों। सो यहाँ पे जो केव्स है इसमें आपको ऑल ईयर राउंड पानी मिल जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे भी दो तीन केव्स है, यहाँ पे केव है, वहाँ पे और यहाँ पे भी एक केव है साइड में। तो इसमें का जो पानी है ऑलमोस्ट मतलब पूरे साल रहता है, और मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा ड्रिप हो के पानी जमा होता है। एक तो पूरा चिल्ड रहता है, दूसरी बात मतलब एकदम साफ रहता है पानी पीने के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कचरा करना मत, बिकॉज ऊपर पूरे मतलब पूरे हरिश्चंद्रगढ़ में यही एक सोर्स है पानी पीने का। एंड ज़्यादा स्टॉल्स भी नहीं है, मतलब वीकेंड में स्टॉल्स रहते हैं जो पानी देते हैं, बट वीकेंड के बाद अगर आप आते हो तो यहाँ पर पानी पीने का सोर्स नहीं है। तो ये एक ही सोर्स है पानी पीने का। शिवलिंग पे जो दूध और पानी हम लोग डालेंगे वो वहाँ से जाता है, और उधर उसका आउटलेट यहाँ पे है, वो सीधा यहाँ पे आता है और यहाँ से ऐसा उधर जाता है। बट खास बात ये कि वो ज़माने में भी चेंबर सिस्टम थी, अगर कुछ ब्लॉकेज हो जाता है तो ये ऊपर का लिड निकल के पूरा साफ़ करने को इजी पड़ जाता है। अगर ये नहीं रहता तो ये पूरा का पूरा हॉलो साफ़ करने में डिफ़िकल्टी हो जाती, और यहाँ से पानी सीधा ऐसा बाहर जाता है। एंड नाउ वी आर फाइनली ये केव में आगे, जो सबसे बड़ी केव है। एंड आप देख सकते हो गाइस सच अ मैसिव केव यार, इतना बड़ा केव है और बीच में है शंकर का पिंड। एंड ऐसा बोलते हैं कि ये जो चार पिलर्स है, ये चार पिलर्स है उसमें से तीन टूट गए, अभी ये जो टूटेगा, अगर जब ये टूटेगा तो पूरी की पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी ऐसा बोलते हैं। वो साइड भी कुछ तो है, उधर हम लोग जाके देखेंगे। मैं सोच रहा था हूँ पानी में जाने का, बट पानी इतना खतरनाक मतलब इतना ज़्यादा चिल्ड है ना। एंड और एक बात, ये जो पानी है ये पीने का पानी नहीं है, बिकॉज सब लोग आते हैं इसमें उतरते हैं और दर्शन लेने जाते हैं, तो ये पानी बिल्कुल पीना मत। फुल बर्फ है डूड, तो उस टेम्पल से एग्जैक्ट सामने आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे केव्स हैं, और यहाँ पे मोस्टली सब लोग नाइट स्टे करते हैं, बिकॉज देख सकते हो यहाँ पे बाजू में है वो है गणेश गुहा। पानी की अवेलेबिलिटी भी है यहाँ पर, मतलब पी तो नहीं सकते बट फिर भी हम लोग बर्तन वर्तन मतलब साफ़ करने के लिए पानी यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरी बात, यहाँ पर काफ़ी सारे केव्स है। एंड जो हरिश्चंद्रगढ़ है वो मैक्सिमम लोग टू डे का ट्रेक रखते हैं, मतलब वन नाइट स्टे ही रखते हैं, तो मैक्सिमम लोग यहीं पर आते हैं स्टे करने के लिए। हम लोग जो टेंट लाया था बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है रात के टाइम, मगर आप वीकडेज में आते हो तो आप यहाँ पे अच्छे से स्टे कर सकते हो। मैं भी आपको आगे जाके बताता हूँ। ये मतलब वो साइड है फर्स्ट गुहा, ये है सेकेंड गुहा, जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी बिकॉज पानी भी एकदम पास में ही है और पूरा प्लेन है टेंटिंग एंड ऑल करने के लिए। ये है और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, वो है गणेश गुहा।
और यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी भी है, देख सकते हो आप। एंड यह है गणेश गुहा, जो काफ़ी प्लेन है। और यहाँ पे भी एक है, ये कुछ ठीक नहीं लगी मेरे को बिकॉज़ पूरा पानी है इसके अंदर। यहाँ पे भी पानी की अवेलेबिलिटी है। एंड अभी थोड़ा आगे जाते हैं, वो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे है। यहाँ पे है ऐसे आगे लाइन में केव्स ही केव्स है। एक्चुअली ये केव्स और जो टेम्पल था वो हम लोग आते समय एक्सप्लोर करने वाले थे, कल एक्सप्लोर करने वाले थे मतलब, बट हम लोग को टाइम लैप्स लेने का था एंड ड्रोन शॉट्स लेने के थे कोकनकड़ा के। एंड सनसेट जो है वो कोकनकड़ा से ही ठीक से दिखता है, इसलिए हम लोग पहला वो किए फिर हम लोग ने ये सब एक्सप्लोर किया। बाय द वे अभी मैं ये व्लॉग एंड करता हूँ गाइस, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरी चार हम लोग के पावर बैंक थे पूरे ख़त्म हो चुके हैं, ड्रोन 360 कैमरा गोप्रो ये सब चार्ज कर करके। तो मेरा ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। आपको आज का वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।